नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का जिले में पहली बार आगमन हुआ। सत्या होटल में पत्रकारों से बात करते हुए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि पार्टी का प्रचार प्रसार सहित युवा चौपाल का कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ ही नए मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भाजपा युवा मोर्चा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा पदाधिकारियों को युवा नीति के बारे में बताया और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में प्रशिक्षण भी दिया। लोगों की मदद करने का प्रयास किया, ब्लड डोनेशन के कैंप चलाए। लगातार युवा मोर्चा अपनी संगठनात्मक गतिविधियां, संगठन का विस्तार, हम लोगों का नीचे का गठन, इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने अभी अलग अलग तरह के अभियान लेना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी एक स्थान में शामिल हुए। नौ मतदाता युवा चौपाल का कंसेप्ट इस प्रकार का है कि हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर जितने ऐसे युवा हैं जो पहली बार या दूसरी बार मतदान करेंगे, ऐसे सभी युवा साथियों को हम युवा चौपालों के माध्यम से बुलाएंगे और ये